Hi everyone, welcome back to my channel Creative at Home. So, आज की ये मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुहाना मौसम हुआ है और ये बारिश के पहले का सीन है जब मैं मॉर्निंग में उठी हूँ और ये सुंदर सा मौसम मुझे देखने को मिला है. लेकिन मुझे ये पता है कि अभी बारिश होने वाली है. सो मुझे खुशी भी है क्योंकि मेरी प्लानिंग है कि ये बारिश होने के बाद मैं ये छत साफ़ करूँगी. सो बारिश हो चुकी है, अभी बहुत हल्की हल्की हो भी रही है लेकिन इसमें ही मुझे छत भी साफ़ करनी है. और क्योंकि अमरूद भी 3-4 टूटे हुए मिले हैं, अमरूद जैसा कि आप देख रहे हो इस बार बहुत कड़ी धूप और गर्मी पड़ी है और उस धूप से अमरूद के पत्ते भी बहुत सारे जल चुके हैं. ये चंपा का पेड़ हमेशा ही गिरा होता है क्योंकि ये झेल नहीं पाता है ये आंधी तूफान. और छत पे मुझे लगता है थोड़ी सफाई की ज़रूरत है. सो मेरा हमेशा का ये काम रहा है कि बारिश के बाद आके छत की सफाई करना. ये चंपा का पेड़ मुझे काटना है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है, मेरी हाइट से भी ज़्यादा बढ़ चुका है. सो मैं इसको बहुत दिनों से काटने की सोच रही हूँ लेकिन इंतज़ार था कि बारिश हो जाए फिर उसके बाद काटूँगी. क्योंकि बारिश के मौसम में जब हम कटिंग करते हैं तो पौधे अच्छा ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे पौधे बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं. और ये मेरा फेवरेट काम है क्योंकि बारिश में भीगना मुझे बहुत पसंद है. और जब भी ऐसी हल्की बारिश हो रही होती है, बारिश बहुत तेज़ होती है तो छत साफ़ करना नामुमकिन है क्योंकि इस 5वीं मंजिल पे बहुत ही तेज़ी से हवा चलती है और बारिश बहुत तेज़ आती है, तब मैं सफाई नहीं कर पाती हूँ. लेकिन ऐसी बारिश में भीगते हुए मुझे छत साफ़ करना आई थिंक मेरा बेस्ट फन है ये मेरे लिए और मेरा फेवरेट काम है ये. तो मुझे अच्छा लगता है छत की सफाई करना क्योंकि यहाँ पे हर समय सूखे हुए पत्ते गिरते ही रहते हैं, हर हफ्ते मुझे ये सफाई करनी पड़ती है. लेकिन वही सफाई जब बारिश में हो रही हो तो उसका मज़ा ही अलग है. और जब छत पे ये सूखे पत्ते बिखरे होते हैं तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है. क्योंकि छत जब तक साफ़ सुथरी नहीं रहती है तब तक मज़ा नहीं आता है. जब मैं अपनी टेरेस पे आती हूँ तो मुझे साफ़ सुथरी छत देख के बहुत खुशी होती है और आज मुझे वो मौका मिला है बड़े दिनों बाद बारिश में छत साफ़ करने का. अदरवाइज़ मुझे खुद ही पानी डालना पड़ता है और सफाई करनी पड़ती है. सो आफ्टर छत की सफाई ये मेरा छत बहुत ही साफ़ सुथरा हो गया है. अब मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब मेरे सारे गमले अपनी अपनी जगह पे सेट हो चुके हैं. कुछ गमलों को मैंने अपनी सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है, जैसे ये मेरा येलो चमेली का जो पौधा था मैं उसको थोड़ा सा बाहर लेके आई और मुझे लगा कि बारिश का पानी उन्हीं अच्छे से हो जाए. और इसको मुझे सारा बहुत प्रॉपर वे में बांधना भी था तो इसलिए इसे बाहर लाके और इसको बहुत अच्छे से कटिंग और बांध के मैंने सही कर दिया है अभी. सो अब मुझे ज़्यादा खुशी मिल रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है तो मैं छत पे मज़े ले रही हूँ आफ्टर छत की सफाई. होप यू एंजॉय.